दिल्ली से, जहां पर पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल टल गई है। राजघाट पर धारा 144 लगने के कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया है। विनेश फोगाट ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अगली तारीख और समय जल्द फाइनल करेंगे, विनेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लगा दी है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है, ये बात पहलवानों के द्वारा कही गई। पहलवानों की फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजघाट पर धारा 144 लगने के कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया है। विनेश फोगाट ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अगली तारीख और समय जल्द फाइनल करेंगे, यह विनेश फोगाट की ओर से कहा गया है। राजघाट पर धारा 144 लगने के कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया। और देखिए विनेश फोगाट का यह ट्वीट जिस पर उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने लिखा, पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लगा दी है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। वहीं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम और जगह जल्द ही फाइनल करेंगे, यह विनेश फोगाट का ट्वीट सामने आया है, जो कि पहलवान है विनेश फोगाट, और उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लगाई है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम और जगह जल्द ही फाइनल करेंगे, इस बात की ट्वीट कर जानकारी दी है पहलवान विनेश फोगाट ने। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी, जिसको धारा 144 लगने की वजह से रोका गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय लाइव जुड़ गए। विनय, देखिए आज पहलवानों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर इसको टाला गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए 12:30 बजे का समय था जब खिलाड़ियों की तरफ से राजघाट पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। कल ही खिलाड़ियों की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई थी कि वो 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और लेकिन चूंकि 15 अगस्त की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में, खासतौर पर राजघाट, ITO और लाल किले के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, और इसीलिए किसी को भी वहाँ पे गैदरिंग यानी कि इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। राजघाट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात खिलाड़ियों की तरफ से की गई, उसको बाद में ट्वीट करके विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया कि धारा 144 की वजह से उनको राजघाट नहीं जाने दिया जा रहा है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, किस दिन होगी, क्या समय रहेगा, इसकी जानकारी हालांकि फिलहाल खिलाड़ियों की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अभी अपडेट यह है कि धारा 144 लगे होने की वजह से दिल्ली पुलिस ने इस राजघाट के इलाके पे पूरी तरह से बैरिकेटिंग की हुई है। पुलिस फोर्स वहां पे अच्छी खासी संख्या में तैनात है ताकि कोई यहां पे इकट्ठा ना हो सके, और यही वजह है कि खिलाड़ियों को राजघाट पे जो आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो वहां पे नहीं कर पाए हैं। नई डेट और नई तारीख के लिए खिलाड़ियों ने कहा है कि अब जल्द ही उसकी घोषणा की जाएगी। जी विनय, देखिए धारा 144 लागू होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टाला गया, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गई है, तो ऐसे में क्या कुछ हालात आप बदलते हुए वहां पर देख रहे हैं, और क्या टेक्निकल चीजों के माध्यम से भी क्या सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है, और क्या कुछ तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, वहाँ पे जो पुलिस बल है वो तो तैनात ही है, साथ ही साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल भी वहाँ पे तैनात किया गया है, और ना सिर्फ राजघाट पे बल्कि जहाँ जहाँ धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि 15 अगस्त बहुत नज़दीक है, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, और ऐसे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर दिल्ली पुलिस हर साल अमूमन इस तरह की धाराएं कई जिलों में लगाती है, और ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे जो रूट रहता है प्रधानमंत्री का लाल किले जाने को लेकर, ये रूट भी काफ़ी सेंसिटिव रहता है, इसलिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, और इसी के मद्देनज़र धारा 144 भी लगाई गई है। यही कारण है कि तमाम तरह से पुलिस बल और पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, और खिलाड़ियों को, ना सिर्फ खिलाड़ियों को ही बल्कि किसी अन्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति को भी इन तमाम इलाकों में आने की अनुमति नहीं मिल रही है। जी